है और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, माने जो समुद्र मंथन चल रहा है उसमें नफरत का गरल लगातार वो लोगों के हिस्से में जा रहा है, और अमृत का पान कौन कर रहे हैं, कौन वो देवतागण है, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जो जिस सवाल को आपने उठाया है वो सबसे मौजू है आज की तारीख में, कि आज सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, आज आप सत्ता पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। यही पार्टी सबसे पहले क्या चिल्लाती थी कि साहब 70 साल में क्या हुआ, तो 70 साल में जो दंगे हुए निश्चित रूप से उस समय जो भी सत्ताधारी पार्टी थी उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। आज अगर आपके समय में दंगे हो रहे हो, या वो तो मुझे दंगे कम दिखाई देते हैं, एक तरफा नरसंहार किस्म का परिदृश्य दिखाई देता है, वो जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ये सरकार नहीं लेना चाहती, ये सत्ताधारी दल नहीं लेना चाहता। इसका मतलब है कि ये बहुत सोची समझी साजिश है, उसका मकसद इन दंगों को रोकना नहीं है, उसका मकसद है इन दंगों के मार्फत हिंदुओं का खास करके सांप्रदायिकरण करना। मुसलमानों का जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन सीधा टारगेट मैं समझता हूं वो है हिंदू, कि जो रोजगार का सवाल ना उठाए, जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है वो हिंदू बना रहे, वो अपने सवाल को ना उठाए, पिछड़ों के रिजर्वेशन को लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है वो ये सवाल ना उठाए, जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम अवस्था है, ये सवाल ना सामने आए, इसलिए लगातार देश को सांप्रदायिक आधार पर उन भावनाओं को उत्तेजित करते रहना और लोगों के जेहन में वो छवियां डालते रहना कि ताकि जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो लोगों को दिखाई न दे, उनका एहसास ही होना बंद हो जाए, आपको इतना दर्द दे दिया जाए कि फिर उसके आसपास का जो पूरा परिदृश्य है वो आपकी आंखों पर आपके आंखों में समाए ही नहीं। ये सारी साजिश मुझे जो लगता है कि हिंदुओं को, खास करके उन तबकों को जिन्होंने 70 साल में एक नया मिडिल क्लास पैदा किया, जिनका सशक्तिकरण हुआ, उसमें आदिवासी भी है, दलित भी है और पिछड़ा तबका भी है, इवन महिलाओं के लिए मैं कहूंगा, अब जो सांप्रदायिक हिंसा है उसमें जिस तरह की गालियां दी जा रही हैं, वो गालियां भारतीय समाज में किसको टारगेटेड होती हैं? महिलाओं के लिए ही बनी है, महिलाओं के नाम से बनी है। और दंगों का इतिहास ये भी बताता है कि साहब दंगों में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई होता है तो वो बच्चे और महिलाएं होती हैं। इसमें शुक्र मनाइए कि कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है, एक दो लोग मरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये दंगा होता तो इसकी गुंजाइश ज्यादा थी। एक समुदाय ने बहुत धैर्य का परिचय दिया, लेकिन जब होता यह है कि आप मस्जिद पर खड़े हो जाएंगे, मैं इसको अपने तई सोचता हूं कि कोई मेरी आस्था पर अगर इस तरह से प्रहार करेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो ऑब्वियस है उसमें कुछ हो सकते हैं, कुछ शरारती तत्व भी हो, कुछ बदमाश किस्म के भी लोग हों, और सरकार की जिम्मेदारी यह है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन शरारती तत्वों को भी ठीक करे, और जो किसी समुदाय विशेष को गालियां दे रहे हैं उनको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं, बलात्कार करने की सरेआम चेतावनी दे रहे हैं, जन नरसंहार की चेतावनी दे रहे हैं, वो धर्म संसद से लेकर के आपने बहुत सारे परिदृश्य देखे, कश्मीरी फाइल्स को देखने जाइए तो आपको जिस तरह से वहां उत्तेजित किया जाता है, इन दृश्यों को जब आप देखेंगे तो सवाल सीधा उठता है कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या सोई हुई है। वही नरेंद्र मोदी, आपने बहुत अच्छा पूरा शुरू में वो डिस्कोर्स पैदा किया कि कोरोना का जब वायरस आता है तो आप लोगों को काम देते,
कहते हैं कि साहब इस वायरस को भगाना है। अगर ये मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये जो सांप्रदायिक दंगों का वायरस है इसको अगर खत्म होना चाहिए तो वो क्यों नहीं आते? इसका मतलब है कि आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। एक क्रिकेटर की उंगली में अगर चोट लग जाती है तो आप ट्वीट करते हैं, लेकिन यहां तो लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, हत्या तक हो रही है, और ऐसे में खामोश रहना ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री की मंशा क्या है। और मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि जिस देश में ये मान रहे हो बहुत सारे लोग कि बड़ा दुनिया में भारत की छवि सुधरी है या भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, अब मैं सोचता हूं कि जबकि अमेरिका में लोग कैसे इसको देख करके रिएक्ट करते होंगे। आज वो समय नहीं है कि जब यहां पे कोई घटना होती है और वो सामने नहीं आएगी, आज तो मिनटों में घटनाओं के सारे चित्र पूरे दुनिया में फैलते हैं। मैं एक और आज सोशल मीडिया पर चित्र देख रहा था, इसमें अमेरिका में एक बैन चल रही है, शायद अमेरिका है वो, जहां पे सेव इंडियन क्रिश्चियंस लिखा हुआ वो बैन वहां पर घूम रही है। तो क्या भारत की छवि बन रही है दुनिया में? इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संजीदा होना चाहिए सरकार को कि कम से कम इस देश के चरित्र को ही वो सुरक्षित रख लें, दुनिया में जो उसकी छवि है उसको ही दुरुस्त रख लें। ये उनकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का कोई आदमी अगर गलत करता है तो कानून है, वो कानून अपना काम करेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये सत्ता की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सत्ता ही उस सांप्रदायिक उन्माद को पैदा करने में लगा हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है किसी भी देश में इस तरह की घटनाओं को रोकना।